नमस्ते भरत बाबू फार्मिंग के अंदर में आपका स्वागत है। ये वही वगतला वाला फार्म है अपना, जिसमें एक साथ में ही सिर्फ 8 या 9 दिन के गैपिंग पे ये सबसे आखिर के प्लॉट के अंदर में हमने रीप्लांटेशन करवाया हुआ था। और कई किसानों का कहना ये था कि वीडियो में और चीज़ें तो दिखलाने में सब कोई माहिर रहते हैं, लेकिन हमें फ़र्क कैसे नज़र में आए कि हम कोई भी ट्रीटमेंट करते हैं तो उसका असर हुआ या नहीं हुआ। तो आज आपके सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वाला जो प्लॉट है इसके अंदर में पत्ते जो है वो थोड़े से पीले वगैरह है, ग्रीनिश शेड में नहीं है। और पीछे के तरफ में अगर आप देखेंगे तो ये 5 बीघा एक जोन, जिसको हम कहते हैं ड्रिप इरिगेशन में वाल जो हम चेंज करते हैं, एक वाल के पीछे का जो नज़ारा आपको दिखाता हूँ वो पूरा ग्रीन है, क्योंकि उसके अंदर में वो ट्रीटमेंट सब कुछ किया हुआ है। और आज 60 डेज़ के बाद ये दोनों के बीच का डिफरेंस अपने को समझ में आ रहा है। ये विदाउट ट्रीटमेंट वाला हिस्सा है, यहाँ पर भी कुछ कुछ में बहुत ज़्यादा पीले पड़े हुए हैं, और जो पुराने वाले हैं उसके अंदर में ये पीले दिख रहे हैं, नए जो आ रहे हैं वो ग्रीनिश आ रहे हैं। तो ये वाला जो प्लॉट है इसके अंदर में आज ही ट्रीटमेंट चालू होगी, आपको नेक्स्ट भी दिखाएंगे आने वाले समय के अंदर में फिर से इसमें हरियाली जो पीछे लगी हुई है उसके हिसाब से ही पूरा ग्रीन हो जाएगा। बाम्बू के अंदर में एकदम डार्क ग्रीन पत्तियाँ आना, इसका सीधा मतलब है कि वो न्यूट्रिशन नीचे से पूरी तरीके से ले रहा है। ये दिखाता हूँ आपको, जैसे ये वाला नया सूट जो है वो निकला हुआ है, ये नया सूट यहाँ पर भी आप देख सकते हो, इसमें भी ये नया सूट दिख रहा है। जितने नए पत्ते हैं वो एकदम ग्रीन है, और जो पुराने पत्ते हैं वो येलो शेड में और ऑरेंज शेड के अंदर में फेड हो रहे हैं। तो इस तरीके से ये पत्ते जो भी दिख रहे हैं उसको हरा भरा ग्रीन और न्यूट्रिशन वैल्यू के साथ में अगर करना है तो जो भी ट्रीटमेंट हम करते हैं ऑर्गेनिक फॉर्म में करें चाहे केमिकल फॉर्म में करें, तो उसके बाद में वो ये पीछे की तरफ में शायद जूमिंग के अंदर में कितना दिखता होगा आपको ग्रीन, मेरे को नहीं पता, लेकिन यहाँ पे ये सारा एक जोन है और यहाँ पर भी वही सेम जोन चल रहा है। शायद अब तो देखते देखते ही समझ में आ जाएगा, ये यहाँ से जोन जो है एक लाइन, ये दूसरी लाइन, ये आखिरी लाइन है यहाँ वाली, इसके बाद ये सारा जो है ये ग्रीन और पूरा हरा भरा है। ग्रीन और हरा भरा होने का रीज़न जो है कि इसके अंदर में 2 से 3 बार अलग अलग ट्रीटमेंट हमने की थी एक्सपेरिमेंट बेस पे, और उसमें से एक ट्रीटमेंट जो है इस सॉइल के हिसाब से कंप्लीट हो चुकी है। हम ट्रीटमेंट इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि वो कस्टमाइज रहता है हर किसी के यहाँ पर, मिट्टी पानी और कौन से समय पे हम ट्रीटमेंट करते हैं उसके आधार पे ट्रीटमेंट में क्या अंदर देना चाहिए और कितना देना चाहिए वो डिपेंड करता है। कई बार ऐसा होता है कि हम सिर्फ एक चीज़ बोल दे कि आप इसमें ये करिएगा और इतना डालिएगा, तो फिर बिहार वाले हैं, महाराष्ट्र वाले हैं, गुजरात वाले हैं, हरियाणा वाले हैं, पंजाब वाले हैं, या साउथ में कोई दूसरे स्टेट वाले हैं वो भी सिमिलरली गुजरात की ही सॉइल के हिसाब से अपना ट्रीटमेंट चालू कर देते हैं। लेकिन ऐसे ही ट्रीटमेंट करने से आपके यहाँ पर भी सेम रिज़ल्ट मिले ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको आपकी मिट्टी की जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से और आपके पास में जो पानी है उसके हिसाब से ट्रीटमेंट को थोड़ा 19-20 करना पड़ेगा। हो सकता है सेम फर्टिलाइज़र आपको काम ना आए, आपको दूसरा फर्टिलाइज़र यूज़ करना पड़े। तो जब कभी भी आपको ऐसा लगता है तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और गाइडलाइन जो भी लेना है वो लीजिए, ताकि आपके वहाँ पर जो ज़रूरत है उसका ही हम इस्तेमाल कर सकें। थैंक यू वेरी मच।